दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे दलित नेता की जो एक समय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से भी बड़े दलित नेता हुआ करते थे। दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे दलित नेता की जिन्होंने अपने फायदे के लिए मोहम्मद अली जिन्ना तथा पाकिस्तान से हाथ मिला लिया था। दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे दलित नेता की जिनको वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। ये कहानी है एक ऐसे दलित नेता की जो भारत के थे, उसके बाद भी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बनाने की डिमांड की तो इन्होंने असम राज्य के कुछ हिस्से को पाकिस्तान में मिलाने का समर्थन ही नहीं किया, बल्कि बाद में पाकिस्तान में मिलवा भी दिया। दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे दलित नेता की जिनके कारण पाकिस्तान के अंदर हजारों दलितों की हत्याएं हुई और उसके बाद वो पाकिस्तान छोड़कर भारत आ गए। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं नाथ मंडल की। इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर इतिहास का एक ऐसा चैप्टर छुपा हुआ है जिससे हमारा आने वाला भविष्य भी जुड़ा हुआ है। क्योंकि जो घटनाक्रम उस समय भारत के अंदर चल रहा था, वैसा ही घटनाक्रम आज भारत के अंदर आप होते हुए देख सकते हैं दोस्तों। तो आज के वीडियो को ध्यान से आखिर तक पूरा देखिएगा दोस्तों, वरना आपसे बहुत ही जरूरी इतिहास का एक चैप्टर छूट जाएगा। तो मेरा नाम है शुभम वर्मा और आपका स्वागत है हिस्ट्री ऑफ थिंग्स में। हिस्ट्री ऑफ थिंग्स में आज हम बात कर रहे हैं मंडल के बारे में। जी हां दोस्तों, नाथ मंडल बंगाल के अंदर दलितों के बहुत बड़े एक नेता हुए। उनकी जो कास्ट थी वो पिछड़ी कास्ट में मानी जाती थी और इसके कारण उन्होंने दलित पॉलिटिक्स के साथ अपना करियर शुरू किया। तो दोस्तों, उस समय अंग्रेज, जैसा कि आप जानते हैं, आपस में देश को लड़ाने का प्रयास कर रहे थे, तो हिंदुओं में दलितों के आंदोलनों को अंग्रेजों ने काफी ज्यादा बढ़ावा बंगाल के अंदर देना शुरू किया। 1937 के अंदर दोस्तों पहली बार मंडल एमएलए बनकर बंगाल कंस्टिट्यूएंसी के अंदर जीतते हैं। उसके बाद से दोस्तों वो दलितों के बीच में अपनी पॉलिटिक्स करने लगते हैं। वो कोशिश करते हैं कि दलितों का वोट बैंक उनको मिले और उनकी लड़ाई वो लड़ते रहें, और वो जेन्युइनली शायद दलित कॉज के लिए सोचते भी थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ मिलकर वो शुरुआती दिनों में अपनी पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन दोस्तों बाद में कांग्रेस से वो छिटक कर अलग हो जाते हैं और उस समय 1939-40 के समय में उनको अपना राजनीतिक हित दिखता है मुस्लिम लीग के साथ, और वो मुस्लिम लीग को ज्वाइन कर लेते हैं दोस्तों। तो वो मुस्लिम लीग के साथ ज्वाइन करने के बाद धीरे धीरे अपनी पॉलिटिक्स चलाने लगते हैं। उस समय का कुछ बैकग्राउंड और भूमिका मैं देना चाहूंगा दोस्तों कि मुस्लिम लीग जब बनी थी तो वो बहुत ही एलिटिस्ट पार्टी के रूप में जानी जाती थी। उसके अंदर बहुत सारे मुसलमान भी ज्वाइन नहीं हुए थे, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे देश विरोधी तत्व थे और बहुत सारे लोग इस बात की डिमांड कर रहे थे कि भारत को तोड़ना चाहिए, भारत को अलग करना चाहिए। या वो सिर्फ मुस्लिम राइट्स की ही बात किया करते थे, इस्लामिक फंडामेंटलिज्म की बात किया करते थे, पूरे भारत की या हिंदुओं की वो लोग बातें नहीं किया करते थे, इसलिए उनका जनाधार देश के अंदर नहीं था। तो मुस्लिम लीग ने दोस्तों उस समय डिसाइड किया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर उनकी बैठकें हुआ करती थी, लाहौर के अंदर उनकी बैठकें हुआ करती थी, कई जगह पर लखनऊ के अंदर उनका हेडक्वार्टर हुआ करता था। तो वो लोग दोस्तों उस समय इस बात से परेशान थे कि मुस्लिम लीग का जनाधार क्यों नहीं है। तो मुस्लिम लीग का जनाधार बढ़ाने के लिए उन लोगों ने एक चाल चली, एक साजिश रची कि किसी तरह से हम मुस्लिम लीग के अंदर भारत के कुछ हिंदुओं को जोड़ लेते हैं, तो यदि हिंदू हमारे समर्थन में आ जाएंगे तो हमारा इस्लामिक फंडामेंटलिज्म का सपना हम पूरा कर लेंगे और उन लोगों को हम मूर्ख बनाकर अपने साथ जोड़ लेंगे। तो उस समय उन्होंने दोस्तों ये नारा दिया कि दलित और मुस्लिम एकता मंच बनाया जाए और दलित और मुस्लिमों को एक हो जाना चाहिए। और दलितों के बीच में दोस्तों उन लोगों ने जाकर ये प्रचार करना शुरू किया कि तुम पर तो हिंदुओं ने हमेशा अत्याचार किए हैं, जो अपर कास्ट हिंदू हैं उन्होंने तुम्हें दबा कर रखा है, तो उनकी किताबों में तुम्हारे खिलाफ लिखा हुआ है, तुम लोग क्यों हिंदू धर्म के अंदर हो, तुम्हें सदियों से दबाया है, तुम गरीब हो, और ये सारी बातें उन लोगों ने करना शुरू की। और दोस्तों ये सारी की सारी बातें उन लोगों ने छुपा दी कि कई सारी शूद्र जातियां जो हैं वो मुसलमानों के समय ही शूद्र बनी हैं, उसके पहले वो चंद्रवंशी, सूर्यवंशी, क्षत्रिय थे, और मुगल रूल जब आया था, मुगल रूल के अंदर उनसे फाइट करते करते ही वो सारे लोग इस बुरी हालत में आए थे, और बाद में ब्रिटिशर्स ने जब उनकी इंडस्ट्रीज बर्बाद की उसके कारण वो गरीब हुए थे। लेकिन मुस्लिम लीग जो थी, मुस्लिम लीग ने सारा का सारा जो ब्लेम था वो पूरा ब्लेम अपर कास्ट हिंदूज पर डालते हुए और पूरा का पूरा दलितों का ब्रेन वॉश करना शुरू कर दिया। तो देश भर में तो ये प्लानिंग जो उनकी थी वो बहुत ज्यादा नहीं चली, क्योंकि जो उस समय का जो दोस्तों दलित वर्ग था वो सारा का सारा वर्ग अंग्रेजों और मुस्लिम लीग की साजिश को जानता था, तो देश भर में बहुत कम लोग उनके समर्थन में आए दोस्तों। 46 के अंदर जैसा कि हम देखते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी जो दलित
एथनिक पॉलिटिक्स कर रहे थे, मुंबई के अंदर से चुनाव लड़ने के बाद हार गए, उसके बाद भी वो कई बार चुनाव हारे, तो इस तरह का देश भर में था। लेकिन बंगाल के अंदर दोस्तों मुस्लिम लीग का वर्चस्व बढ़ता चला गया और 1946 के बाद ही हम लोग जैसा कि जानते हैं आज़ादी के समय नोआखली में बंगाल के अंदर दंगे हुए थे। उन दंगों के अंदर मुस्लिम लीग ने बहुत सारे हिंदुओं का नरसंहार कर दिया था, बहुत सारे हिंदुओं की हत्याएं कर दी थी, बहुत सारी हिंदू औरतों के साथ बलात्कार किए थे। उस समय मुस्लिमों ने यह देखा कि जो दलित हैं वो हिंदुओं की तरफ से सबसे ज्यादा लड़ते हैं यदि दंगे होते हैं तो दलितों को अपने साथ मिलाने के लिए जो मंडल पर मुस्लिम लीग ने हाथ डाला और मोहम्मद अली जिन्ना और जुन्नाथ मंडल की दोस्ती हो गई। तो जब 46 के समय में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए तो हिंदू मुस्लिम दंगों के समय जुन्नाथ मंडल को मुस्लिम लीग ने भेजा सारे बंगाल में घूमने के लिए कि जब हिंदू मुस्लिम दंगे हों तो दलितों को ये बोलो कि दलित जो है वो हिंदुओं की तरफ से ना लड़ें, क्योंकि अपर कास्ट लोगों ने उनको भी सताया है और मुस्लिम्स को भी सताया है, तो दलितों को ये बोला जाए कि दलित उनकी तरफ से ना लड़ें। तो जोगेश्वनाथ मंडल ने पूरे बंगाल के अंदर घूम घूम कर दलितों को ये समझाना शुरू किया कि जब भी दंगे हों और मुस्लिम हिंदुओं को मार रहे हों तो आप लोगों को हथियार नहीं उठाने। और दोस्तों कई जगह पर नाथ मंडल के इन्फ्लुएंस के कारण ये हुआ भी कि दलित और मुस्लिमों ने हाथ मिला लिए। दलितों ने हालांकि हिंदुओं की हत्याएं नहीं की लेकिन उन लोगों ने मुसलमानों पर भी हाथ नहीं उठाया कुछ जगहों पर बंगाल में, जिसके कारण मास लेवल पर हिंदुओं का नरसंहार वहां पर मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन प्लान और कई तरह की चीजों के अंदर किया। तो मंडल उस समय दलितों के नेता बनने के कारण मुस्लिम लीग के काफी करीब आ गए और मोहम्मद अली जिन्ना को अपना एजेंडा पूरा करने के लिए इस व्यक्ति का साथ दिखाई देने लगा। तो उसके बाद दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना ने जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी तो अपना मेंबर अपनी तरफ का रिप्रेजेंटेटिव बनाकर मंडल को ही भेजा। उसके बाद दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना ने एक जगह और जो मंडल जी का यूज किया, जब असम का एक हिस्सा हुआ करता था दोस्तों, मैं उसका नाम बताता हूं, सैलहेट, जी हां सैलहेट करके एक असम का हिस्सा हुआ करता था, उस हिस्से के अंदर 50% हिंदू और 50% मुस्लिम रहा करते थे। उस समय दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना उसे पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे, जो कि हम जानते हैं ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बना था जो उस जगह पर, तो उस समय लेकिन वोटिंग की बात वहां पर चल रही थी कि वोटिंग करवा ली जाए कि वो किस देश में रहना चाहते हैं, अंग्रेजों ने ये बात रखी। तो उस समय दलितों के नेता जोगेश्वर नाथ मंडल को मोहम्मद अली जिन्ना ने वहां पर भेजा और दलितों के बीच में कुछ दलितों को जोगेश्वर नाथ मंडल ने कन्विंस कर लिया कि पाकिस्तान के फेवर में वोट डालें और 50% मुस्लिम जैसा कि हम जानते हैं उन सभी ने पाकिस्तान के फेवर में वोट डाला और उसके साथ कुछ दलितों ने भी पाकिस्तान के फेवर में वोट डाल दिया। तो सैलहट जो भारत के असम का हिस्सा हुआ करता था वो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में चला गया। तो इस तरह से ना सिर्फ दंगों के अंदर मुसलमानों को बचाने का काम मंडल ने किया बल्कि उसके अलावा मुस्लिम लीग के साथ मिलकर भारत के कुछ हिस्से को भी पाकिस्तान में मिलाने का उन्होंने एक काम किया। और उसके बाद दोस्तों उन्हें लगा कि मेरी बहुत अच्छी दोस्ती मोहम्मद अली जिन्ना से हो चुकी है, मुस्लिम लीग से हो चुकी है। 1947 में जब पार्टीशन होता है दोस्तों, 14 अगस्त को पाकिस्तान बनता है अलग होकर, तो उस समय दोस्तों मंडल पहले कानून मंत्री पाकिस्तान के बनाए गए, वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ पाकिस्तान वो बने। और उनको आश्वासन ये दिया गया था कि जो दलित हैं उन पर सदियों से अत्याचार हुआ है, उन दलितों की हम मुसलमान रक्षा करेंगे और मुसलमान भी गरीब हैं दलित भी गरीब हैं तो हम दोनों मिलकर काम करेंगे और यहां पर इन दोनों को ही आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोस्तों जब मुस्लिम लीग का एजेंडा पूरा हो गया, मुस्लिम लीग को एक अलग देश मिल गया, पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, उसके बाद दोस्तों मुस्लिम लीग ने अपना असली चेहरा दिखाना शुरू किया। दलितों की औरतों को पाकिस्तान की सेना उठाकर ले जाती थी और उनका कई दिनों तक बलात्कार करती थी। दलितों से बहुत ज्यादा निचले स्तर के काम पाकिस्तान के अंदर करवाए जाने लगे। मास लेवल पर हजारों दलितों का कन्वर्जन होने लगा। इस तरह की कई सारी घटनाएं जब घटती गई और लेटर पर लेटर जुन्नाथ मंडल लिखते रहे, कानून और श्रम मंत्री होने के बाद भी किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। मोहम्मद अली जिन्ना की डेथ के बाद उनकी स्थिति और ज्यादा डाउन होती चली गई। लियाकत अली खान के समय तक हालत यह हो गई कि आखिरी में मंडल को इस्तीफा देना पड़ा ये बोलते हुए कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, हजारों दलितों का मैं हत्यारा बन गया, लाखों दलितों के बलात्कार का मैं कारण बन गया। और उस समय दोस्तों वो इस्तीफा देते हैं और इस्तीफा बहुत बड़ा एक इस्तीफा वो लिखते हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को और वहां से वापस भारत आ जाते हैं। उस इस्तीफे की कुछ लाइनें मैं दोस्तों आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगा। इस इस्तीफे की लाइन को ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, यदि आप गूगल पर भी सर्च करेंगे तो ये इस्तीफा आपको मिल जाएगा। उस इस्तीफे की लाइनों को सुनिए और आपको पता चलेगा कि किस तरह मुस्लिम लीग ने दलितों को उस समय धोखा दिया। दोस्तों मैं आपको यहां पर पढ़कर सुनाना चाहूंगा कुछ अंश मंडल के अपने खत के जो उन्होंने लिखा था।
मंडल कहते हैं कि बंगाल में मुस्लिम और दलितों के एक जैसे हालात थे, दोनों ही पिछड़े मछुआरे अशिक्षित थे। मुझे आश्वस्त किया गया था कि लीग के साथ मेरे सहयोग से ऐसे कदम उठाए जाएंगे जिससे बंगाल की बड़ी आबादी का भला होगा। हम मिलकर ऐसी आधारशिला रखेंगे जिससे सांप्रदायिक शांति और सौहार्द बढ़ेगा। इन्हीं कारणों से मैंने मुस्लिम लीग का साथ दिया था। 1946 में पाकिस्तान के निर्माण के लिए मुस्लिम लीग ने जब डायरेक्ट एक्शन डे बनाया बंगाल के अंदर और उन्होंने नोआखली में नरसंहार किया, उसमें कई पिछड़ी जाति के लोगों को हिंदुओं की हत्याएं हुई, सैकड़ों ने इस्लाम कबूल किया, हिंदू महिलाओं का बलात्कार अपहरण किया गया। इसके बाद मैंने दंगा प्रभावित इलाकों का दौरा किया, मैंने हिंदुओं के भयानक दुख देखे जिससे अभिभूत हूं, लेकिन फिर भी मैंने मुस्लिम लीग के साथ सहयोग की नीति को जारी रखा। ये कहते हैं मंडल। इसके बाद मंडल इसके आगे की भी बात करते हैं कि जब देश 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बनने के बाद मुझे मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, मैंने ख्वाजा नजीमुद्दीन से बात कर ईस्ट बंगाल की कैबिनेट में दो पिछड़ी जाति के लोगों को शामिल करने का अनुरोध किया। उन्होंने मुझसे ऐसा करने का वादा किया लेकिन इसे टाल दिया गया, जिससे मैं बहुत हताश हुआ। तो बाद में रिप्रेजेंटेशन भी दलितों को उन लोगों ने नहीं दिया। उसके आगे मंडल कहते हैं अपने खत के अंदर कि अपने खत में पाकिस्तान में दलितों पर हुए अत्याचार की कई घटनाओं का उन्होंने जिक्र किया है, जैसे कि गोपालगंज के पास दीघर कुल में मुस्लिम की झूठी शिकायत पर स्थानीय नमो सुधराय लोगों के साथ क्रूर अत्याचार किया गया, पुलिस के साथ मिलकर लोगों को पीटा गया, गर्भवती महिलाओं को इतना पीटा गया कि उनका वहीं पर गर्भपात हो गया। इसके बाद वो कहते हैं कि हबीबगढ़ में निर्दोष पुरुष और महिलाओं को पीटा गया, सेना ने केवल लोगों को पीटा ही नहीं बल्कि हिंदू पुरुषों को उनकी महिलाओं को सैन्य शिविरों में भेजने पर मजबूर किया ताकि वो सेना की कामों की इच्छाओं को पूरा कर सकें। इस तरह की चीज़ें दोस्तों उन लोगों ने पाकिस्तान के अंदर दलितों के साथ करनी शुरू की, हिंदुओं के साथ करनी शुरू की जब पाकिस्तान बन गया। इसके आगे वो लिखते हैं कि कलशिरा में सशस्त्र पुलिस सेना और स्थानीय लोगों ने निर्दयता से पूरे गांव पर हमला किया, कई महिलाओं का पुलिस सेना और स्थानीय लोगों द्वारा बलात्कार किया गया। मैंने 28 फरवरी 1950 को कलशिरा और आसपास के गांवों का दौरा किया। जब मैं कलशिरा में आया तो देखा यहां जगह उजाड़ और खंडहर में बदल गई है, यहां तकरीबन 350 घरों को ध्वस्त कर दिया। ढाका में भी इसी तरह के कत्लेआम का दोस्तों उन्होंने अपने लेटर के अंदर जिक्र किया है, चटगांव नारायणगंज के अंदर उन्होंने जिक्र किया है, ईस्ट बंगाल के अंदर भी उन्होंने जिक्र किया है। 20 फरवरी 1950 की वो बात करते हैं, वहां की घटनाओं के बारे में वो देखकर भी चकित थे। यहां बड़ी संख्याओं में हिंदुओं को जला दिया गया, उनकी बड़ी संख्या को खत्म कर दिया गया। मैंने जिले में लगभग सभी दंगा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। माधा पाशा में जमींदार के घर में 200 लोगों की मौत हुई और 40 घायल थे। एक जगह है मुलादी, प्रत्यक्षदर्शी ने वहां भयानक नरक देखा और 300 लोगों का कत्लेआम हुआ। वहां गांवों में शवों के कंकाल भी देखे, नदी के किनारे गिद्ध और कुत्ते लाशों को खा रहे थे। यहां सभी पुरुषों की हत्याओं के बाद लड़कियों को आपस में बांट लिया गया। राजापुर में 60 लोग मारे गए। बाबूगंज में हिंदुओं की सभी दुकानों को लूट लिया गया और आग लगा दी गई। ईस्ट बंगाल में दंगे के अनुमान के मुताबिक 10,000 लोगों की हत्याएं हुई। यहां आसपास महिलाओं और बच्चों को विलाप करते हुए मेरा दिल देखकर पिघल गया। ये बात वो यहां पर लिखते हैं, मैंने अपने आप से पूछा क्या मैं इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान आया था। इस तरह की बातें दोस्तों मंडल लिखते हैं। और मंडल इसके आगे और लिखते हैं कि विभाजन के बाद 5 लाख हिंदुओं ने देश छोड़ दिया है। मुसलमानों द्वारा हिंदू वकीलों, हिंदू डॉक्टरों, हिंदू व्यापारियों, हिंदू दुकानदारों के बहिष्कार के बाद उन्हें आजीविका के लिए पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। मुझे मुसलमानों द्वारा पिछड़ी जाति की लड़कियों के साथ बलात्कार की जानकारी मिली है। हिंदुओं द्वारा बेचे गए सामान की मुसलमान खरीदार पूरी कीमत नहीं दे रहे हैं। तथ्य की बात यह है कि पाकिस्तान में ना कोई न्याय है ना कानून का राज, इसलिए हिंदू चिंतित हैं। पूर्वी पाकिस्तान के अलावा पश्चिमी पाकिस्तान में भी ऐसे ही हालात हैं। विभाजन के बाद पश्चिमी पंजाब में 1 लाख पिछड़ी जाति के लोग थे, उनमें से बड़ी संख्या को बलपूर्वक इस्लाम में परिवर्तित किया गया है। मुझे एक लिस्ट मिली है जिसमें 363 मंदिर और गुरुद्वारों को मुस्लिमों ने अपने कब्जे में ले लिया है। इनमें से कुछ को मोची की दुकान, कसाई खाना और होटलों में तब्दील कर दिया गया है। मुझे जानकारी मिली है कि सिंध में रहने वाली पिछड़ी जाति की बड़ी संख्या को जबरन मुसलमान बनाया गया है। इन सबका कारण एक है, हिंदू धर्म को मानने के अलावा इनकी कोई और गलती नहीं है। दोस्तों अपने पत्र के अंत में मंडल लिखते हैं, मैंने यहां निश्चय किया कि मैं आपके मंत्री के तौर पर अपना इस्तीफे का प्रस्ताव आपको दूं, जो कि मैं आपके हाथों में थमा रहा हूं। मुझे उम्मीद है आप बिना किसी देरी के इसे स्वीकार करेंगे। आप बेशक इस्लामिक स्टेट के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इस पद को किसी को भी देने के लिए स्वतंत्र हैं।
पाकिस्तान में मंत्रिमंडल से इस्तीफे के बाद मंडल भारत आ गए। कुछ वर्ष गुमनामी की जिंदगी जीने के बाद 5 अक्टूबर 1968 को पश्चिम बंगाल के अंदर उनकी मौत हुई। दोस्तों, इस तरह का एक षड्यंत्र मुस्लिम लीग ने उस समय रचा। मुस्लिम लीग ने टारगेटेड रूप से हिंदुओं को पहले डिवाइड किया, दलितों को पहले भड़काया कि अपर कास्ट तुम पर अत्याचार करते हैं, उसके बाद दलितों को अपने गठबंधन में ज्वाइन करवाया, उसके बाद अपनी इस्लामिक स्टेट के एजेंडे को पूरा करते हुए पाकिस्तान लिया, पाकिस्तान को डेमोक्रेटिक कंट्री बोलकर उन लोगों को बेवकूफ़ बनाया शुरू में, उसके बाद उसे इस्लामिक स्टेट में कन्वर्ट करते हुए दोस्तों इन लोगों ने हजारों लाखों दलितों की हत्याएं की, उन्हें कन्वर्ट किया तथा धीरे 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 करके उनकी महिलाओं को कैप्चर करके बलात्कार करते करते उनको भी धीरे धीरे अपने में समाहित कर लिया। इसी कारण से दोस्तों अभी जब भारत के अंदर CAA आया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, तो उस बिल के अंदर जो दलित मंडल के साथ उस समय वहां चले गए थे, जो लोग वहां चले गए थे तथा 70 सालों से जिन पर अत्याचार हो रहे थे, उन्हें भारत ने नागरिकता देने की बात की थी। इसी कारण से उन लोगों को भारत के अंदर बुलाया जा रहा था, क्योंकि उनके ऊपर इतने ज़्यादा अत्याचार दलितों के ऊपर, सिखों के ऊपर, हिंदुओं के ऊपर, बौद्धों के ऊपर, जैनों के ऊपर हो रहे थे कि उन लोगों का वहाँ रहना बहुत ही दुश्वार हो गया था। लेकिन अफसोस की बात है दोस्तों कि आज भी पाकिस्तान के एजेंडे पर चलने वाले कुछ लोग उन बेचारे मासूमों को भारत की नागरिकता दिलाने का विरोध कर रहे हैं। अफसोस के पाकिस्तान के एजेंडे पर चलने वाले कुछ लोग आज भी पाकिस्तान से फंडिंग लेकर दलितों के बीच में आग लगाने का प्रयास कर रहे हैं। आज भी मुस्लिम लीग की सारी साजिशें कुछ इलाकों के अंदर, बंगाल के अंदर और देश भर के अंदर दिखाई देती हैं दोस्तों। तो यदि आपको अगला पाकिस्तान और बांग्लादेश बनने से रोकना है दोस्तों, तो इस साजिश को आज आपको समझना पड़ेगा और हर दलित तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं, क्योंकि दलितों के बीच में ये सारा एजेंडा सिर्फ इसलिए फैलाया जा रहा है ताकि उनको लेकर देश को और विभाजित किया जा सके और बाद में दलितों के साथ वही होगा दोस्तों जैसा कि जोगेश्वर नाथ मंडल के साथ हुआ है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो में आपसे विदा लेता हूं दोस्तों। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के और वीडियो हम आप लोगों के लिए ला सकें। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ ताकि ज़्यादा लोगों तक ये सच्चाई पहुँच सके कि देश में उस समय जो चल रहा था वो अभी भी करने का प्रयास चल रहा है तथा लोग इन चीज़ों में फंसने की जगह उन्हें जवाब दे सकें।